जय श्रीमन्नारायण। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती जिसमें कि अच्छाई या फिर बुराई ना हो। अब हर इंसान की अपनी अपनी विचारधारा होती है। हम किसी भी इंसान के लिए अपनी अलग से विचारधारा बना लेते हैं। कोशिश यही किया करें कि हम अपना स्वभाव सरल और सच्चा बनाएं, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है कि हम उस इंसान की अच्छाई को देखें या फिर बुराई को देखें। वैसे भी किसी के बारे में बुरा कहने से हमें मिलेगा क्या, है ना। कोशिश यही क्या करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन आँखों से भगवान को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन कानों से भगवान के बारे में सुने, जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों सुधर सकें। वैसे भी बार बार 84 के चक्कर काटने से अच्छा तो है कि हम इसी जन्म में भगवान को पालें, है ना। एक बार एक बहुत बड़े संत एक गांव में गए थे, तो वहाँ सब लोग उनसे मिलने आए कि इतने बड़े संत जी आए हैं। तो उनमें से एक बूढ़ी महिला भी वहाँ आई संत जी से मिलने। तो वो महिला इतनी सीधी थी कि वो संत जी से कहने लग गई, महाराज मैं आपके खुरों को छूना चाहती हूँ, एक बार मुझे अपने खुर छूने दीजिए। खुर बोलते हैं ज़्यादातर, वैसे खुर जानवरों के पैरों को बोलते हैं। तो गांव वाले कहने लगे कि इतने बड़े संत जी हैं ये, और तुम इनको बार बार खुर खुर बोल रही हो तो नरक जाओगी। तो महिला कहने लगी कि हमारे कहाँ ऐसे भाग्य हैं जो मैं हम नरक जाएं, नरक तो आप जैसे साधु संत जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें जितना ज़्यादा हो सके अपने स्वभाव को सरल और सच्चा बनाना चाहिए हर इंसान के साथ, चाहे वो इंसान कैसा भी हो। उसे हमें क्या करना, बस हमें अपने से मतलब रखना चाहिए कि हम दूसरों के लिए कैसे हैं, चाहे सामने वाला इंसान हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें। कोशिश यही किया करें कि हम अपने स्वभाव को हमेशा सरल बनाएं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये बातें थोड़ी तो अच्छी लगी होंगी। कोशिश करूँगी कि आगे के ब्लॉकों में मैं अपनी बातें आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूँ। मिलते हैं अगले नए ब्लॉक में, तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।